Hum Bewafa Hargiz na the, par hum wafa kar na sake. Humko mili uski saza. Hum jo khata. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. आज जो गाने का हम लिसन करने वाले हैं वो है हम बेवफा हरगिज ना थे. बहुत सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था ये गाना. ठीक है, तो दोस्तों ये गाना मैं करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा. बस दो मिनट सुनिए आप, उसके बाद गाने के लिसन पे जाएंगे. ठीक है, कुछ अपडेट्स है जो आपको बोलना ज़रूरी है. ठीक है, पहला जो मैं बात करना चाहता हूँ कि बिगिनर्स लेवल में मॉड्यूल 1 जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है. ठीक है, जिसमें मैं सारे फिंगर एक्सरसाइजेस का लेसन्स दिया हूँ. ठीक है, तो वो लेसन्स जो है बहुत ही ज़रूरी है आपको आगे का लेसन्स के लिए. जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि मैं कॉर्ड्स क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, मेरा स्केल नहीं बज पाता है. ठीक है, तो ये क्लैरिटी, साउंड क्लैरिटी और आपका फिंगर में जो स्ट्रेंथ चाहिए गिटार सीखने के लिए, उसके लिए ये मॉड्यूल 1 बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 अभी काम चल रहा है, मेरा शूटिंग चल रहा है. ठीक है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं बोलूँगा कहाँ पे कैसे मैं अपलोड करूँगा, आपको कैसे मिलेगा वो. ठीक है, तो ये था पहला अपडेट. सेकंड अपडेट ये है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो जनरली फेसबुक में मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कॉमेंट में लिखते हैं कि कौन सा गिटार खरीद. तो मैंने उसके लिए भी तो एक लेसन्स बनाया था, लेकिन आज जो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि मेरा अमेजन के साथ एसोसिएशन हुआ है. ठीक है, मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने मतलब इमीडिएटली अप्रूव कर दिया मेरे जो फॉर्म मैंने जो भेजा था उनको फिलअप करके, और एसोसिएशन हो गया है मेरा. तो जो मैंने जो गिटार का जो मतलब मॉडल्स है जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं खुद, उसी गिटार का मैंने लिंक जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. ठीक है, और मैंने बिल्कुल आपके लिए आसानी हो इसलिए मैंने प्राइस का कैटेगराइज करके मैंने ब्रांड के हिसाब से मैंने दे दिया है. ठीक है, तो जितने भी गिटार का मैंने लिंक दिया है वो सारे गिटार जो हैं मैं खुद बजाया है. कैसे मतलब इतना गिटार मैंने कैसे बजा लिया, आपका क्वेश्चन ये होगा मन में, क्योंकि मेरे पास एक ही गिटार है. ठीक है, बाकी जो गिटार मैं कभी कभी आप देखते हैं दूसरे दूसरे गिटार मेरे स्टूडेंट्स का रहते हैं. ठीक है, तो सारे जो गिटार्स मैंने, मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो घर में आते हैं सीखने के लिए. ठीक है, तो उनको मैंने वो गिटार दिया है और मैंने बजा के देखा है कि मतलब सारे गिटार सही है. तो उसी ब्रांड का ही मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया है. मैंने इतने सारे और भी ब्रांड हैं, लेकिन जो मुझे मैं खुद बजाया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपको दिया है. ठीक है, तो आपको अगर गिटार खरीदना है या गिटार का कोई एक्सेसरीज खरीदना है, जैसे कि ट्यूनर हो गया या कैपो हो गया, उसके बाद प्लेक्ट्रम या पीक हो गया, तो ये सारे जो है मैंने सारे एक्सेसरीज भी मतलब जो लिंक है मैं दिया है. बहुत सारा ऑफर्स चल रहा है अभी, आप जो लिंक में जाइए ब्रांड के हिसाब से आपका बजट में जो हो. ठीक है, मैंने 3000 के नीचे भी जो है वो भी दिया है, और 3 to 7000 उसके कैटेगरी में एक दिया है, मतलब कुछ लिंक दिए हैं ब्रांड वाइज, ब्रांड के हिसाब से यामा, फेंडर, एपीफोन, सारे जो है मतलब लिस्टेड है. ठीक है, तो आप जाइए देखिए, और अगर आपको चाहिए तो आप खरीद लीजिए. ये था सेकेंड अपडेट. थर्ड अपडेट ये है कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ. ठीक है, तो वो वेबसाइट किस लिए मैं बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद ही बना रहा हूँ. ठीक है, तो अभी फिलहाल काम चल रहा है मेरा, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ. तो वो वेबसाइट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप गाने का जो कॉर्ड्स है, आप गिटार सिखाते हो तो गाने के कॉर्ड्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में लिरिक्स के ऊपर लिख दीजिए कहाँ कहाँ पे चेंजेस होगा.
लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में अलग अलग डिवाइस में अलग अलग अलाइनमेंट हो जाते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं ए मेजर कॉर्ड और वो दिखता है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैंने ये करके देखा है, ठीक है, तो अलग अलग डिवाइस में जैसे कि डेस्कटॉप में एक अलग अलाइनमेंट, मोबाइल में एक अलग अलग अलाइनमेंट, तो आप टैब में एक अलग अलाइनमेंट होता है। तो अब इसके हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं एक वेबसाइट बनाऊँ और जहाँ पे मेरे सारे गिटार थ्योरी जो है, गिटार का कॉर्ड्स और टैब्स जितने भी हैं सारे वहाँ पे मैं अच्छा से मतलब अलाइनमेंट करके आप आपको दूँ, ताकि मतलब वहाँ पे जाकर आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड अपडेट। और फोर्थ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि मेरा एक म्यूज़िक चैनल मैं बनाया हूँ कुछ दिन पहले, दिवाली के टाइम पर मैंने बनाया था, तो वहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, 5 या 6। तो आप प्लीज़ जाइए वहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो प्यार आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना मैं लेके आऊँगा, गाने का कवर सॉन्ग, मेरा खुद का कॉम्पोजिशंस, बहुत सारे गिटार इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन, गिटार पीसेस मैं वहाँ पे मतलब अपलोड करूँगा जो बहुत ही जल्द। तो प्लीज़ आप जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए दोस्तों, अभी गाने का लेसन पे चलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं जो गिटार लेसन से कुछ दिन मतलब स्टॉप रहेगा, अभी मैं गाने का लेसन कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ लेसन बनाने वाला हूँ गाने का लेसन, तो अभी से वो चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं लेसन। तो इस गाने को सीखने के लिए आपको आपको जो कॉर्ड्स आना चाहिए, 5 कॉर्ड आना चाहिए, ठीक है। पहला कॉर्ड जो है ई मेजर कॉर्ड है, गाना ई मेजर पे बना हुआ है, ई मेजर कॉर्ड है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं गाएगा। नेक्स्ट कॉर्ड जो है ए मेजर, स्क्रीन में देख सकते हैं आप। उसके बाद जो कॉर्ड आता है डी मेजर, उसके बाद बी माइनर, उसके बाद जो एक और एक कॉर्ड आता है सी सब माइनर, ठीक है। ये सी सब माइनर का कॉर्ड डायग्राम में नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो बी माइनर अगर ये हुआ, ये अगर बी माइनर हुआ, ठीक है, एक होल स्टेप आपको शिफ्ट करना है, या तो बी माइनर देन सी माइनर देन सी सब माइनर, ठीक है। तो ये कॉर्ड हो गया सी सब माइनर, ठीक है। ये 5 कॉर्ड आपको आना चाहिए। और एक बार बोलता हूँ, ई मेजर, ए मेजर, डी मेजर, बी माइनर एंड सी सब माइनर, ये 5 कॉर्ड आना चाहिए। अभी स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न दोस्तों जो ओरिजिनल बजा है वो है ये वजह, जैसे कि ये ओरिजिनल गाने के साथ बजा हुआ है, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से बजाता हूँ। जैसे कि मतलब सेम स्ट्रोक जैसे रहता है, डाउन अप अप डाउन अप डाउन के बदले में डाउन डाउन अप डाउन। ये जो इजी वर्सन है ये आपके लिए भी इजी रहेगा, लेकिन सुनने में भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बजा के सुनाया है पहले, तो ये सुनने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको अनप्लग वर्सन के मतलब तरह हम बजा सकते हैं, ठीक है, चक साउंड डाल के। तो और एक बार बता देता हूँ, ओरिजिनल जो स्ट्रमिंग पैटर्न है डाउन अप अप डाउन अप 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 डाउन अप। ये आप बजा सकते हैं, वो है चक साउंड इफेक्ट में डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ये स्ट्रमिंग पैटर्न के हिसाब से मैं सिखाऊंगा, और पहले क्लैपिंग करके मतलब स्ट्रमिंग में जाना है, तो इस तरीके से सिखाऊं। तो मेरा जो तरीका है उसके लिए आपको जो स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना है ये है डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन। एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आपके लिए बस यही करना है, इसी डाउन डाउन अप अप डाउन अप को हम एक अलग तरीके से मतलब चक इफेक्ट देके बजाएंगे, डाउन चक अप चक अप डाउन चक अप चक। तो उसमें क्या है, सेकंड डाउन स्ट्रोक जो है और सेकंड लास्ट डाउन स्ट्रोक जो है उसको हम चक कर रहे हैं, ठीक है। डाउन चक अप अप चक डाउन डाउन अप अप डाउन अप के बदले में हम डाउन
पैटर्न ठीक से सीखना है तो इसको मैंने पांच वेरिएशन में बजाया हूँ, सिखाया हूँ, एक लेसन है वन स्ट्रमिंग पैटर्न विथ फाइव डिफरेंट वेरिएशन, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं। अगर कॉर्ड्स भी जो मैंने बताया उसको अगर होल्ड करना नहीं आता है तो मेजर और माइनर कॉर्ड का मेरा दूसरे दो लेसन बना हुआ है हाउ टू होल्ड एंड प्ले, वहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं, नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी आपको मैं कॉर्ड्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे कॉर्ड्स चेंज होगा गाने का, ठीक है। तो लिरिक्स के वाइज लिरिक्स के हिसाब से मैं आपको कॉर्ड्स बताता हूँ। जैसे ई मेजर स्केल पे है तो उसके हिसाब से हमको स्टार्टिंग ई मेजर से करना है, ठीक है। तो गाने का बोल ऐसे जाता है, हम बेवफा, ठीक है, हरगिज न थे, थे पे ए मेजर आएगा, थे ए मेजर आएगा, ठीक है, पर हम वफा, वफा पे डी मेजर आएगा, कर ना सके, सके पे ई मेजर आ जाएगा, ठीक है, हमको मिली मेजर पे रहेगा, उसकी सजा सजा यहाँ पे ए मेजर आ जाएगा, सजा जहाँ पे ए मेजर आ जाएगा, हम जो खता, हम जो खता, खता पे आपका डी मेजर आ गया, कर ना सके ई मेजर आ जाएगा, फिर सेम हम बेवफा ई मेजर, हरगिज न थे ई मेजर, थे पे ई मेजर आ जाएगा, पर हम वफा डी मेजर, वफा पे डी मेजर, कर ना सके, ठीक है। ये हो गया आपका मुखड़ा अंतरा, कितनी अकेली अकेली यहाँ पे सीसा माइनर आ जाएगा, ठीक है, थी वो पे ए मेजर, जिन पे ए मेजर आ जाएगा, अब तक अकेले अकेले डी मेजर, यहाँ पे एक बात है आपको याद रखना है, थोड़ा ऑफबीट में कॉर्ड जाता है, जैसे कि चलते रहे, तो क्या हुआ आप देखें डी मेजर के बाद पहले बी में डी माइनर आया फिर चलते हुआ आया, ठीक है, चलते रहे, तो इसको बजाना कैसा है फिर से बोलता हूँ, कितनी अकेली, अब तक अकेले डी मेजर, चलते रहे, ठीक है, मतलब जो डी मेजर है अकेले चलते रहे, डी मेजर फिर बी माइनर चलते रहे, यहाँ पे ई मेजर बजा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, अगर समझ में आया तो थोड़ा रिपीट करके देखिए, नहीं तो मैं फिर जब बजाऊंगा आप देख लेना, मतलब जो टाइमिंग जो है, ठीक है, मेरे साथ बजाएंगे तो आपको आ जाएगा। फिर तुझसे बिछड़ने के भी ओ बेखबर, बेखबर पे ई मेजर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ई मेजर आता है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, तुझसे बिछड़ने के भी ओ, यहाँ पे आपका ई मेजर आ जाएगा, फिर ओ बेखबर, बेखबर पे जो है खबर, खबर पे जो है ए मेजर आएगा, ठीक है, तेरी ही गम में जो है वो डी मेजर होगा, फिर वही बी माइनर पड़ेगा, बी माइनर आएगा, फिर जलते रहे ई मेजर, फिर आपको घूम फिर के वही कॉर्ड्स आने वाले हैं जो मुकड़े के कॉर्ड्स थे, जैसे कि हमने किया जो सिखवाया, हम वो गिला, फिर से हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके। अंतर देखते हैं कॉर्ड्स को कैसे जाता है, सेम ही जाएगा फर्स्ट अंतर जैसा, तो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड जो हैं बिगिनर्स हैं उनके लिए सही रहेगा, ठीक है। तुमने जो देखा सुना तो क्या हुआ, फिर ईमेल आएगा, ईमेल जब पहले कॉर्ड आएगा उसके बाद सच था मगर,
घर पे माँ घर जो है घर पे इमेज रहेगा ठीक है। कितना था सच ये सच जो है वो डी मेजर आएगा सच ये फिर वही पहले अंतर जैसा डी माइनर पहले आएगा किसको पता पता पे डी मेजर बैक ठीक है। तो ये रहा पहले दो लाइन उसके बाद जाने तुम है मैं कोई तो जाने तुम्हें जो है ई मेजर मैं कोई सी सब माइनर फिर ई मेजर आएगा धोखा ई मेजर आएगा उसमें जाने तुम्हें कोई कोई पे डी मेजर फिर बी माइनर आएगा उसके बाद धोखा हुआ डी माइनर पैटर्न उसके बाद धोखा हुआ हुआ पे ई मेजर पैटर्न ठीक है। उसके बाद इस प्यार में पहले अंतर मुखड़ा जैसे आ जाएगा इस प्यार में सच झूठ का इमेज कहाँ पे इमेज तुम फैसला फैसला जो है वहाँ पे डी मेजर आएगा कर ना सके इमेज फिर जैसे हम बेवफा हरगिज़ न थे मुखड़ा जैसा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे कॉर्ड्स प्रोग्रेशन पता चल गया अभी गाने का। अगर नहीं पता चला तो प्लीज रिपीट करके देखिए तो पता चल जाएगा ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा मैं बात किया हूँ पहले ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और मतलब मैं ये गाना पूरा बजा के आपको दिखाऊंगा कैसे बजाना है। आपका अगर कॉर्ड्स प्रोग्रेशन मतलब कहाँ कहाँ पे चेंज होता है ये याद हो गया और स्ट्रमिंग पैटर्न पता चल गया कॉर्ड्स कैसे होल्ड करते हैं पता चल गया सारे लेसन अगर सीख लिए तो मेरे साथ आप बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। लिरिक्स याद नहीं है तो मैं सामने लिरिक्स रखा हुआ है मैं देख देख के गाऊंगा प्लीज डोंट माइंड ठीक है। तो गाना जब हम शुरू करेंगे तो हम एक अर्पिजिशन का कॉर्ड्स अर्पिजिशन के साथ शुरू कर सकते हैं। अर्पिजिशन का बहुत सारा पैटर्न होता है मैं बाद में बहुत सारा लेसन बनाऊंगा जो मेरे लेसन सीरीज आ रहे हैं उसमें रहेंगे सारे लेसन। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि अर्पिजिशन जो होता है उसमें जो जो भी कॉर्ड बजाएंगे आप उसमें उसका रूट नोट पहले बजना चाहिए उसके बाद आप रैंडम कोई भी स्ट्रिंग लेके बजा सकते हैं ठीक है। तो आप देखिए देख देख के सीखिए जब मेरा लेसन आएगा तब वहाँ से पूरा सीख लेना ठीक है। या तो आप नहीं तो आप पहले से स्ट्रमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा पहले चार लाइन जो है अल्टरनेशन के साथ बजाऊंगा गाने को बिल्ड करूंगा फिर उसके बाद मैं रिदम में मतलब जो स्ट्रमिंग पैटर्न पे जाऊंगा ठीक है। हम जो खता
a lot for watching this video. Please, please, अगर आपको lessons अच्छा लगे तो please share कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए, ठीक है? Thanks a lot for watching this video once again. See you in the next guitar lesson. Have a nice day.